एवरीवन, वेलकम बैक टू ऊजीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं चेरी का हलवा। चेरी सीजन में है तो मैंने सोचा क्यों ना इसका हलवा बनाया जाए, तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 5 टीस्पून घी, ये 1/4 कप है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा घी पसंद है तो आप आधा कप भी ऐड कर सकते हो। घी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 10 से 15 किशमिश। किशमिश को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि किशमिश बहुत जल्दी पक जाती है। तो किशमिश ऐड करने के बाद हम इमीडिएटली ऐड कर देंगे 1 कप रवा। रवा ऐड करने के बाद हमें रवे को अच्छी तरह से भून लेना है। ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है रवे का, बट उसे मीडियम लो फ्लेम पे कम से कम 5 से 8 मिनट तक मैंने भूना है। रवा भूनने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप शक्कर। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप शक्कर भी ऐड कर सकते हो। अपने टेस्ट के हिसाब से आप शक्कर को कम ज़्यादा कर सकते हो। आप इसमें शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हो, अगर आपको शक्कर ऐड नहीं करना है आप इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो। शक्कर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप चेरी की प्यूरी। मैंने चेरी को डीसीड कर लिया, उसके अंदर की गुठली निकाल ली और फिर मैंने उसको मिक्सर में डाल के पीस लिया है, उसकी प्यूरी बना ली है। प्यूरी ऐड करने के बाद हमें अच्छी तरह से रवे को मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप चेरीज, जिनकी मैंने फिर से गुठलियाँ निकाल ली है। और चेरीज ऐड करने के बाद सब कुछ फिर से अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। प्यूरी और चेरीज को ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा कलर ऐड करेंगे। मैं आर्टिफिशियल कलर जहाँ तक हो सके यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपको आर्टिफिशियल कलर यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड कर सकते हो पानी में डाल के। मैंने गुनगुने पानी में बीट्स डाल के रखे थे, बीट रूट, उससे पानी का कलर पिंक हो गया है तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। इससे ज़्यादा कुछ टेस्ट चेंज नहीं होगा हलवे का क्योंकि बीट्स बहुत कम यूज़ किए हैं मैंने और मैं सिर्फ उसका पानी यूज़ कर रही हूँ, मैं बीट्स ऐड नहीं कर रही हूँ। तो इसमें मैं अब पानी ऐड कर दूँगी। हमें टोटल 2 से 2.5 कप पानी ऐड करना है क्योंकि हमने 1 कप रवा लिया है। आप भी इसी तरह बीट का पानी ऐड कर सकते हो कलर के लिए, टेस्ट में कुछ भी फ़र्क नहीं होगा और बीट्स आप बाद में एज अ सैलड खा सकते हो। पानी ऐड करने के बाद आप देख सकते हो कलर कितना प्यारा दिख रहा है हलवे का। अब हम अच्छे से हलवे को मिक्स कर लेंगे और कवर करके पकने देंगे कम से कम 5 मिनट तक। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपके वैल्यूएबल सजेशंस और फीडबैक्स दीजिए, उनसे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। अब वापस आते हैं रेसिपी की तरफ। आप देख सकते हो रवा ने पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और हमारा हलवा पक के तैयार हो चुका है। हम हलवे को थोड़े से नारियल के फ्लेक्स के साथ गार्निश करेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।